एमपी में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है, जहां सियासत के गढ़ इंदौर की राऊ विधानसभा में इन दिनों किसान पुत्र अभिषेक जाट का एक्टिव अंदाज देखने मिल रहा है। यहां अभिषेक गांव गांव गली गली घूमकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता का हालचाल जान रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। राऊ में विधानसभा चुनाव की हलचल, किसान पुत्र अभिषेक जाट का एक्टिव अंदाज, जनता के बीच पहुंच रहे अभिषेक जाट। राऊ विधानसभा की जनता के बीच पहुंच रहे किसान पुत्र अभिषेक जाट ने बताया कि विधानसभा की कई सड़कों की हालत बेहद खराब है, जहां इन सड़कों की स्थिति खराब होने के कारण वाहन चालकों और किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, अभिषेक जाट का कहना है कि यदि विधानसभा चुनाव में जनता उन पर भरोसा जताती है तो वे इन सड़कों को व्यवस्थित कराएंगे। नमस्कार साथियों, आज किसान के बेटे आपके द्वारा अभियान के तहत आज मैं ग्राम पंचायत धमनाई के लिए ग्राम पंचायत सिंधी बरोदा, जिसके अंदर कपालिया घेड़े गांव आता है, आठमिल से ये जो रोड बनी हुई है जो उज्जैनी तक जाती है और उज्जैनी एक टूरिस्ट स्पॉट के माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार ने काफ़ी पैसा यहाँ लगाया था और उस रोड की ऐसी खस्ता हालत हो रही है कि जहाँ आज टूरिस्ट तो बिल्कुल जीरो पे पहुँच गया है। दूसरी चीज़ है कि रोड की स्थिति इतनी ख़राब हो गई है, किसान भाई और उनके खेत जो ये रोड है, आने जाने में निरंतर लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं मानता हूँ कि राऊ विधानसभा के अंतर्गत बस पूरी घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। मैंने राऊ विधानसभा में 130 रुपये के विकास कार्य बहुत देखे हैं, 30 का नरियल 100 की खेती, बताओ कहाँ चलानी है। और इसी का तहत आज राऊ विधानसभा के अंतर्गत जितनी भी रोड हैं, चाहे टींचा बेरचा की हो, चाहे आठमिल से उज्जैनी तक की रोड हैं, चाहे जामनिया से तिल्लोर की रोड हैं, चाहे बिहाड़िया से सनाउदिया तक की रोड हैं, चाहे तिल्लोर से टिंछा बेरछा से लेके राला मंडल से लेके कस्तूरबा ग्राम तक की रोड हैं, रोडों का विकास का मायाजाल ऐसा बना हुआ है कि रोडों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। मेरा निवेदन है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से, उनके विधायक और सांसदों से निवेदन है कि आप इन लोगों के रोडों की व्यवस्था तो दुरुस्त करिए। आप इनको स्कूल नहीं दे सकते हो, कॉलेजेस नहीं दे सकते हो, आप इनको खेल के मैदान नहीं दे सकते हो, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप इनको रोडें तो अच्छी दीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। कुल मिलाकर देखा जाए तो एमपी में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है, जहां सियासत के गढ़ इंदौर की राऊ विधानसभा में इन दिनों किसान पुत्र अभिषेक जाट का एक्टिव अंदाज देखने मिल रहा है। यहां अभिषेक गांव गांव गली गली घूमकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता का हालचाल जान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।